वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे, यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। तो आज हम चर्चा करेंगे 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि पिछले एक सप्ताह 7 दिनों में हमने जो कुछ भी इंडिया करंट में पढ़ा, तो संडे के दिन उसका आपको वीकली टेस्ट मिलता है। एक बार फिर से हम संडे के दिन क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास रहिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। साथ साथ में मुझे लाइव आपको कॉमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है किसके आपके मुझे कितने, लास्ट में मुझे ये भी बताना है आपके कितने इनमें क्वेश्चनों में सही हुए हैं। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में PMAYU यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अवार्ड 2021 में कौन से राज्य को सर्वोच्च सम्मान मिला? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए अभियान शुरू किया है? ये किया है दिल्ली सरकार ने। यहाँ पे सरकार कर लेना, दिल्ली पुलिस नहीं है, दिल्ली सरकार ने। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है? ये किया है संजय मल्होत्रा को। किसको किया है? संजय मल्होत्रा को। हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने किस शहर में टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है? हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने किस शहर में टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है? ये किया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम में। पांच नंबर देखो, हाल ही में किस देश के द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? हाल ही में किस देश के द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया? ये किया गया अपने देश भारत के द्वारा। किसके द्वारा? अपना देश भारत के द्वारा। हाल ही में विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस राज्य में इसका आयोजन किया गया? तो विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजन किया गया महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया। सात नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार किस राज्य ने प्राप्त किया है? ये किया है, ध्यान रखना, कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने? भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है। आठ नंबर देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो ये किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया है। नौ नंबर देखो, हाल ही में HCL के संस्थापक कौन है जो देश के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति बने हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो दान करने वाले व्यक्ति बने हैं? शिव नादर है। कौन बने हैं? शिव नादर हैं, जो देश के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति बने हैं। दस नंबर देखो, हाल ही में LG VK Saxena ने, यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल VK Saxena ने दिल्ली के कितने जिलों में सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये दी है 4 जिलों में। कितने? दिल्ली के 4 जिलों में क्या है? सैनिक बोर्डों की स्थापना को मंजूरी दी है। 11 नंबर देखो, हाल ही में ऋषि सुनक किस देश के PM के रूप में नामित किए जाएंगे? ये तो आपको सभी को ही पता है, तो ये बनेंगे, ध्यान रखना, UK के। कहाँ के? UK के बनेंगे। ये भारतीय जो व्यक्ति हैं ऋषि सुनक, और ये UK के देश के PM के रूप में शपथ लेंगे। हाल में 10 लाख कर्मियों को नियुक्त करने के लिए रोजगार मेला भर्ती अभियान का पहला चरण कब से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 22 अक्टूबर से। कब से हुआ है? 22 अक्टूबर से। क्या है? 10 लाख कर्मियों को नियुक्त करने के लिए रोजगार मेला भर्ती अभियान का पहला चरण शुरू हुआ है। हाल में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया मुंबई में। कहाँ पर किया गया है? मुंबई शहर में। हाल में 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2022 कब मनाया गया?
तो 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है 23 अक्टूबर को। कब मनाया गया ये? 23 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने निहोनसु के लिए भौगोलिक संकेत टैग मांगा है, यानी कि एक ये पेय पदार्थ है निहोनसु, और ये जापान देश ने क्या है इसके लिए GI टैग मांगा है। 16 नंबर देखो, हाल ही में फॉर्मूला 1 रेसिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो फॉर्मूला 1 रेसिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वेस्टपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टपेन ने। हाल में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा देश बना है? तो ये बना है नीदरलैंड। कौन सा बना है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है नीदरलैंड देश बना है। हाल ही में किस राज्य का जयपुर हवाई अड्डे को नागरिक उड़ियन महानिदेशालय से लाइसेंस मिला है? तो किस राज्य का जयपुर हवाई अड्डे को नागरिक उड़ियन महानिदेशालय से लाइसेंस मिला? तो ये है उड़ीसा। कहाँ पर, क्या किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का। हाल में किस देश में अगले साल दिवाली की छुट्टी मिलेगी? तो ये है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। कौन सा है? अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है जहाँ पर क्या है अगले साल दिवाली की छुट्टी मिलेगी। हाल में कौन सा मंत्रालय काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित करेगा? तो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित करेगा शिक्षा मंत्रालय। कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय आयोजन करेगा इसका। हाल ही में किस देश के लोगों को 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया है? तो 2022 का सखारोव फ्रीडम प्राइज दिया गया यूक्रेन के लोगों को। किनको दिया गया है? यूक्रेन के लोगों को। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने SC ST समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया है? किस राज्य के कैबिनेट ने SC ST समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाया? ये बढ़ाया है कर्नाटक कैबिनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है, ध्यान रखना, डॉक्टर विमल जालान ने। किसने लिखी है? डॉक्टर विमल जालान ने। हाल ही में किस संगठन ने सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह की ज़्यादातर आजकल अभी फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए थे लगभग यहाँ से प्रौद्योगिकी यानी कि जो भी संगठन है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा करंट के तौर पर पूछे गए हैं। तो किस संगठन ने सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च किए? ये किए हैं इसरो ने। किसने लॉन्च किए हैं? इसरो ने। हाल ही में अमन सहरावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा? एकमात्र भारत ने क्या है इसमें स्वर्ण पदक जीता है अमन सहरावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। हाल में पश्चिमी वायु कुमार ने वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती, इसका आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया था नागपुर में। कहां पर किया गया? पश्चिमी वायु कुमार ने क्या है वायुसेना लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती है और इसका आयोजन है जो नागपुर में किया गया था। हाल ही में किस शहर के सांसद ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है? ये किया है लद्दाख के सांसद ने। किसने किया है? लद्दाख के सांसद ने क्या है मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? हाल ही में भारतीय सेना ने 76वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? 27 अक्टूबर को। कब मनाया ये? 27 अक्टूबर। हाल ही में IIT मद्रास और किस संगठन के शोधार्थियों ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया? तो IIT मद्रास और NASA के शोधार्थियों ने क्या है अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। हाल ही में 2021 में हीट वेव के कारण भारत को सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की आय का नुकसान हुआ है? ये हुआ है 5.4% का। कितना हुआ है? 5.4% का। हाल ही में किस शहर में स्थित NISA ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए यूनियन HM की ट्रॉफी जीती है? तो ये है, ध्यान रखना, हैदराबाद में। और कल ध्यान रखना, कल मैंने जो आपको करंट के तौर पर जहाँ पे यस्टरडे रीजन में रिवाइज करवाता हूँ वहाँ पर मैंने इसका विशाखापट्टनम में बता दिया है, तो उसको आप सही कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद है, ध्यान रखना। तो क्या है? हैदराबाद में स्थित है जो NISA ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए यूनियन HSM की ट्रॉफी जीती है, तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। हाल ही में किसने एक नई पुस्तक द कॉर्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है? तो ये दोनों ने किया है, अक्षय शाह
और स्टीफन ऑल्टर ने इन दोनों ने क्या है एक नई पुस्तक है द कॉर्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे गंदे आदमी अम्मो हाजी का निधन हो गया। यह किस देश के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे ईरान देश के। किस देश के? ईरान देश के रहने वाले। हाल ही में कौन सा पेय पदार्थ भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गया है? ये बन गया है, ध्यान रखना, स्प्राइट। कौन सा बन गया है? जो पेय पदार्थ स्प्राइट वो $1 अरब का ब्रांड है, बन चुका है। हाल ही में कौन सा शहर नवंबर में 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा देहरादून। कौन सा शहर करेगा? देहरादून है जो 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा दुनिया के 10 सबसे बिजी एयरपोर्टों में शामिल हो गया? तो ये है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दुनिया के 10 सबसे बिजी एयरपोर्टों में शामिल हो गया है। हाल ही में किसने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्परेट और ट्रम्परेट बैनर प्रदान किए? ये किए हैं हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या है राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को सिल्वर ट्रम्परेट पेट और ट्रम्परेट बैनर प्रदान किए हैं। हाल ही में 27 अक्टूबर 2022 को किस शहर में शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया सैफाली जुनेजा को। किसको किया गया है? सैफाली जुनेजा। हाल ही में किस शहर ने समृद्धि योजना की शुरुआत की? ये की है नई दिल्ली ने। किसने की है? नई दिल्ली ने क्या है समृद्धि योजना की शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संगीता वर्मा को। किसको किया गया है? संगीता वर्मा को। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया? ये किया है गुजरात राज्य ने। किसने किया है? जल जीवन मिशन के तहत गुजरात राज्य ने क्या है 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? ये किया है, ध्यान रखना, किसको? पाथेर पंचाली को। किसको किया है? पाथेर पंचाली को। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने पाथेर पंचाली को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म है घोषित किया है। तो ये 43 क्वेश्चन थे। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करोगे आप, और लगातार आपको मेरी ये क्लास मिल रही है, लगातार आपको संडे के दिन वीकली मिलता है, और अभी आपको मंथली, आपको पता है महीना पूरा होने वाला है, इसलिए आपको कल शाम तक आपको पूरे अक्टूबर महीने का निचोड़ आपके सामने मिलने वाला है। तो शाम 8 बजे 31 अक्टूबर की शाम 8 बजे आप तैयार रहिए पूरे महीने का निचोड़, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। संडे के दिन आपको ये वीकली रिवाइज मिल चुका है। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। सभी विद्यार्थियों को राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।